दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पीआई डक्ट का फैब्रिकेशन और उसके बारे में कुछ फिटिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो ना, ये इनविजिबल फ्लेंज कहलाता है, ठीक है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो जैसे देखो ये पीआई डक्ट है ना। हाँ, पीआई डक्ट का मतलब होता है प्री इंसुलेटेड डक्ट। अब ये प्री इंसुलेटेड डक्ट पहले एक सीट होता है, फिर इस सीट को हम टूल्स के द्वारा काटते हैं। लेफ्ट हैंड टूल होता है, एक राइट वाला होता है, उससे कट करते हैं। तो देखो इधर से कट करके इधर फोल्ड किया गया होगा, तो कट करने से पहले यहाँ पे एक एडहेसिव लगाते हैं, ग्लू टाइप का होता है, तो वो सेट हो गया। फिर उसके बाद हम एक सीलेंट भी लगाते हैं। अब इसके बाद जब ऐसा बन गया, ठीक है, तो देखो ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसे हम कहते हैं इनविजिबल फ्लेंज, ठीक है। चेक करो, ये भी इनविजिबल फ्लेंज, इनविजिबल फ्लेंज है, इनविजिबल फ्लेंज, ठीक है। और देखो यहाँ पे ना एक ऐसे स्टील का ऐसे लगा है। हाँ देखो ये दिख रहा होगा, ये जीआई का है, स्टील मैं बोल रहा हूँ, जीआई का कॉर्नर होता है, ठीक है, जीआई का कॉर्नर, ठीक। फिर ये लग गया। अब इसके बाद तुम्हें एक और चीज़ दिखा दूँ, ये जो दिख रहा है ना, ये इसे हम एच कहते हैं, ठीक है। एच बाइनर नाम होता है इसका, लेकिन हम नॉर्मली एच कह देते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो कि हमारे पास दो पीस है, एक एल्बो हो गया, एक रिड्यूसर हो गया, या एक डक्ट होगा इधर। अब इसको ज्वाइंट करना है, तो आप देख रहे हो इनविजिबल फ्लेंज लगा हुआ है। अब इससे हम क्या करते हैं, ये ऐसे, हाँ ऐसे डाले और बस इसको भी इसी लाइन में लेकर जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पास में थोड़ा सा ये वाला, ठीक है, देखो देखो आया लाइन में। अब ये जब लग गया, ठीक, इस साइड भी ऐसे ही हम ऐसे डालकर ये ऐसे देखो, और इसे टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से टाइट हो जाता है चारों ओर से। हम ऐसे इस साइड से भी करेंगे, नीचे से भी करेंगे, तब यह दो पीस ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है। और देखो एक और चीज़, एक मटेरियल और है हमारे पास, इसका ये जो दिख रहा है ना, ये पीवीसी कॉर्नर है, ठीक है, इसका भी यूज हम लोग करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये पीआई डक्ट है। हाँ, और आप देखो ऊपर भी जैसे कैसे काम किया गया, ये रॉड 6 इंच का, ये देखो 6 इंच का रॉड, और लगा के हम उसे फिट कर दिए हैं। फिर जब इसको ज्वाइंट कर दिया जाता है, तो ऊपर हम एल्युमिनियम का टेप भी लगाते हैं, और वहाँ पे हम ग्लू भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सेटअप करते चले जाते हैं। जहाँ जहाँ मतलब दो डक्ट आपस में जुड़ेगा, तो इनविजिबल फ्लेंज में हम एच को डालकर चारों तरफ से वो फिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग टेप और ग्लू भी लगा देते हैं। तो ये कहानी ऐसे है पीआई डक्ट का। बाद में आगे और सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में आपको एचवीएसी, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं जानकारी देते रहूँगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।